वेलकम गाइस, क्या हाल भाई? सब बढ़िया ना? ओके गाइस, बढ़िया रहना। ओके, तो बहुत सारे गाइस ओबी अपडेट में आने वाले चेंजेस है, तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारे चेंजेस और कुछ और भी चेंजेस है जो कि यार बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। और ये चेंजेस ना आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, तो ये वाला चेंजेस यार देख ही लेना। और हाँ गाइस, बहुत दिन यार हमने कुछ ट्रिक भी ट्राई नहीं किया ना, चलो यार आज वो भी ट्राई करते हैं एंड कुछ चेंजेस भी। तो दोनों ही होने वाले, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार, वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ गाइस, अभी से एक लाइक कर देना। तो फर्स्ट वाला ट्रिक करने के लिए ना, अरे आपको आना ट्रेनिंग ग्राउंड पे और अपने साथ एक स्नाइपर गन के भी साथ लेके आना। ओके, सो यहाँ पर गाइस ये भाई टेबल वगैरह देख रहे हो, बेंच वगैरह लगे हुए हैं, इस पे अगर बैठोगे नॉर्मली तो ये कुछ यू ऐसा ही बैठता है। नॉर्मल सा किसी भी बैठोगे ना भाई, कुछ ऐसा ही बैठने वाला है, बट मजा नहीं आ रहा ऐसे ऐसे बैठने में ना। तो अभी क्या कर रहा है ना यार, ये देखो सामने टेबल के पास खड़े हो जाना है और उस टाइम पे ना यूज एंड प्लस फायर। देखो गाइस, सबसे पहले ना सीट का ऑप्शन पे क्लिक करना और तुरंत से फायर पे क्लिक कर देना अपने हाथ में स्नाइपर गन को रख के, और आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा बैठने वाला है। ओके, इस बड़े वाले बेंच पे ट्राई करते हैं। नॉर्मली बैठोगे तो ये ऐसा है और इसके पीछे खड़े हो जाना है और सीट प्लस फायर, या सीट प्लस फायर करोगे ना तो ये उल्टा बैठता है भाई। देख रो यार, बंदे वगैरह देखेंगे ना ऐसे बैठते हुए भाई, कसम से बहुत ज्यादा ही शौक होने वाले वो। ओके, सो अभी नेक्स्ट ट्रिक करने के लिए ना आपको आ जाना है ग्रेवयार्ड पे और ये लॉन्च पैड के सामने। ये लॉन्च पैड देख रहे हो, बस इसी से होने वाला गाइस हमारा नेक्स्ट वाला ट्रिक। तो अभी ना मेरा फ्रेंड इसे यूज कर रहा है और ये यूज करेगा तो ये जाएगा कहां भाई? जाहिर सी बात है यार, लॉन्च पैड सीधा है तो यार जाएगा भी सीधे ना। ओके चलो देखते हैं। तो ये गाइस इसने लॉन्च पैड को यूज किया और ये सीधे जाने ओपे भाई, मतलब ये लॉन्च पैड को सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन अभी मेरा फ्रेंड सीधे जाने के बाद वो पीछे घूम गया भाई, कैसे? ओके चलो दिखाता हूँ यार, सिंपल सा मैथड है ना। तो इस वाले लॉन्च पैड को यूज कर लेना और ये सामने एक ग्रीन कलर का पेड़ देख रहे हो ट्री, बस उसके जस्ट ऊपर कुछ इस तरह से एम को लगा देना और उसके बाद डायरेक्टली ना लॉन्च पैड को यूज कर देना। जैसे उसके सामने जाओगे ना भाई, ऑटोमेटिकली से आप पीछे चले जाओगे यार, देख रहे हो बहुत ज्यादा बेस्ट है। और वैसे गाइस ऐसे ट्रिक बहुत जगह पे वर्क करते हैं, लेकिन ये वाला ना बहुत ज्यादा इजी है एंड ये वाला ट्रिक ना भाई एक बार में वर्क कर जाता है, तो आप जितने बार ट्राई करोगे ना उतने बार आपका वर्क करने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट तो ट्रिक नहीं होने वाला, लेकिन हाँ गाइस एक ग्लिच जरूर बोल सकते हो। तो आप अपने स्टोर पे चले जाना और ये गिफ्ट वाले सेक्शन पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको दो बंडल मिलेंगे जो की सेम प्राइस पे एक ही जगह पे। देखो इन दोनों में बंडल में यार कोई भी डिफरेंट नहीं है। हाँ यार, इसके अंदर एक मुंडी तो साथ में देखने को मिल रहा है जो की दूसरे वाले पे नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइस यार सेम ही देख सकते हो, 899 में यार, वो भी 899 में भाई। ये मतलब एक ग्लिची समझ सकते हो यार, ऐसे पता नहीं यार क्या है, देख लेना। ओके, सो आपने का सी वाला मोड तो खेला ही होगा भाई, बहुत ज्यादा बेस्ट है यार, मजा आता है खेलने में, डबल गन चलाने के साथ में फायर करने में यार जो मजा है ना। तो इसमें ना बंदे वाला आपको भाई, आपके पास चाहे दो दो गन हो गया यार, लेकिन बंदे वाला जो होता है ना आपको एक पंच में ही गाइस गोस्ट बना देते हैं ना गाइस। चलो एक बेस्ट ट्रिक बताता हूं यहां पर बंदों को मारने के लिए। तो ये वाला टावर देख सकते हो गाइस, खंबा, इसके सामने ना तीन गुलाल कुछ यू सेट कर लेना और इसके ऊपर कुछ जंप करते हुए ना डायरेक्टली उसके ऊपर चले जाना है। और गाइस जब करोगे ना भाई अकेले ही जाना गाइस, क्योंकि बंदे वाला आपको डिस्टर्ब करेंगे ना तो यार मजा नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पर एक जंप लगाना है और डैट इसके ऊपर और तुरंत से इस क्लूअल को फोड़ देना ताकि कोई और उसके ऊपर ना आ पाए। और गाइस अगर एक बार यहाँ पर चढ़ गए ना भाई, कंफर्म से लिख के ले लो, इस गेम का विक्ट्री तो आपका ही होने वाला है। और यहाँ से ना आपको बहुत ज्यादा किल मिलने वाला है और कोई भी बंदे वाला ना आपको यहाँ से किल भी नहीं कर सकता, तो विक्ट्री तो यार पक्का ही आपका होने वाला है। ओके चलो गाइस, ट्रिक तो कुछ हो गए ना। ओके अभी बताता हूँ ना कुछ मस्त एंड धमाके वाले ट्रिक्स, नहीं यार ट्रिक्स नहीं, अपडेट। तो ये ना बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। ओके, तो ये ना ओबेसिटी के अपडेट के बाद। ओके, तो पहले गाइस पता होगा अभी हमारे गेम में एक आइस गन मिलता है कुछ यू, जिसे यूज करने के बाद तीन ग्लोन निकलता है, उसके बाद तो ये गन बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं, उसे हमें फेंकना पड़ता है। लेकिन अपडेट के बाद अगर ये वाला गन आपको मिल जाएगा ना, तो भाई आपके पास तो अनलिमिटेड ग्लोल होने वाला है। हाँ गाइस देखो, इसमें ना अभी दो ग्लोल हमने यूज किया और एक बार में दो ही निकलता है, इसके बाद ये फिर से चार्ज होगा। बट बोलोगे भाई इतनी देर स्लो लगा हुआ, लेकिन अभी तक 1% भी चार्ज नहीं हुआ है, चार्जिंग स्पीड तो बहुत ज्यादा स्लो है। लेकिन गाइस देखो तो अभी ना चार्ज करने के लिए करना क्या है, अपने बैग को ओपन करना और इस वाले गन को बाहर फेंक देना और फिर से उठा लेना। और देखो उठाने के साथ ये आपका 100% चार्ज हो चुका है। और फिर से दो ग्लोल का यूज करो यहाँ पर, जैसे दो ग्लोल को यूज कर लिया है फिर से अपने बैग को खोलो, उस वाले गन को बाहर फेंको और फिर से दो ग्लोल को यूज करो, तो होगा ना गाइस अनलिमिटेड। वैसे इसका चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर इसे बाहर बैग से फेंक दोगे ना भाई ये तुरंत से चार्ज होता है, पता नहीं यार कैसे हो सकता है गाइस, ये एडवांस सर्वर का ग्लिच हो, लेकिन आपके गेम में आएगा तो शायद फुल चार्ज होने के बाद ये ग्लोल देने वाला है। लेकिन ठीक है ना गाइस, अभी आइस गन यूज करोगे तो उसमें तीन ग्लोल निकलता है, उसके बाद तो यार पूरा का पूरा बेकार। लेकिन अपडेट के बाद तो भाई इसमें अनलिमिटेड होने वाला है, तो यार कुछ तो काम देने वाला है ना, चार्ज लेगा भाई ठीक है। लेकिन हाँ यार बहुत ज्यादा मस्त लगा चेंजेस मुझे। ओके अपडेट के बाद तो गाइस आपके माइंड में एक डाउट तो पक्का ही आने वाला है, ये डिमिट्री
लेजेंडरी कैरेक्टर को लेके। वैसे पता होगा ना, अपडेट के बाद आप क्लास कोड में रिवाइव नहीं हो सकते, लेकिन इस वाले कैरेक्टर का काम क्या है यार, आपको बेवकूफ पता ही होगा गाइस। वो इस वाले कैरेक्टर को लेकर खेलोगे तो आप कहीं पर भी रिवाइव हो सकते हो, अपने खुद के कैरेक्टर की एबिलिटी से किसी की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर सोचोगे गाइस, क्लास कोड के अंदर हम रिवाइव तो नहीं हो सकते, लेकिन इसे यूज करने के बाद शायद से यार हो सकते हैं। चलो आपका ये डाउट ना क्लियर कर देता, अभी देखो गाइस ये वाला एबिलिटी ऑन है और अगर मुझे कोई नॉक करता है तो मैं यहाँ पर रिवाइव हो जाऊंगा। गाइस क्या आपको भी लगता है ऐसा होगा? ओके ट्राई कर लेते हैं, और ये एडवांस सर्वर में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अपडेट के बाद। तो अभी गाइस हमने यहाँ पर एक ग्रेनेड को फेंका और इसी एबिलिटी को हमने ऑन किया और ये ग्रेनेड फूटा। तो गाइस आपको अपना जवाब तो मिल ही गया होगा, भाई क्या होने वाला है भाई, पता नहीं यार इस कैरेक्टर का होने क्या वाला है अपडेट के बाद। इस कैरेक्टर का काम यही था गाइस, बस आपको रिवाइव करना, लेकिन भाई अपडेट के बाद तो रिवाइव का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो भाई कैरेक्टर का होने क्या वाला है भाई, इतने महंगे डायमंड से लेकर गाइस हम कैरेक्टर को परचेस करते हैं, लेकिन बाद में ग्रेनेड उसे पूरा यूजलेस बना देता है। भाई ये कैरेक्टर तो मेरा बैन बज गया, मतलब कोई भी इसे अब यूज करने वाला है नहीं। ओके चलो एक मस्त वाला अपडेट और भी बताता हूँ। तो आपको तो पता होगा सोशल आइसलैंड अलग हो चुका है ट्रेनिंग ग्राउंड से, और यहाँ पर गाइस काफी मस्त वाला चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। ये शीशे वाला पूरा ग्लास और इसके अंदर एक बड़ा सा फील्ड फुटबॉल का बना दिया गया है। चलो यार ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज आपको किसी ने बताया नहीं होगा यार, इस शॉप पे, वैसे इस शॉप पे कुछ चेंजेस आए नहीं है, लेकिन दिखाता हूँ गाइस। देखो ये हमने शॉप को ओपन किया और यहाँ कुछ दिख रहा है गाइस, वैसे न्यू आइटम तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज देखोगे भाई यहाँ पर जितने भी आइटम है ना उसके प्राइस 1 coin यार, जो पहले 5 या 4 में मिलते थे ना वो सबके सब प्राइस 1 पे मिल रहे हैं। पता नहीं भाई ये ग्लिच है या फिर ऐसे ही होने वाला है, लेकिन हाँ गाइस यहाँ पर आपको सब 1 coin में देखने को मिल रहा है। तो इससे भाई आपका पैसे तो और काफी ज्यादा बचने वाले, और जो आप परचेस करना चाहते हो उससे ज्यादा करके गाइस धमाल मचा सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड पे, भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला गाइस। वैसे हम कुछ परचेस करना चाहते हैं लेकिन कुछ मिलता है नहीं, और मेन तो गाइस ये क्राफ्टल होने वाला है ना भाई, इसी क्राफ्टल से तो हम पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पे गाइस धमाल मचाते हैं ना चढ़ के इधर उधर। और ये चीज भी बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, 1 coin में 20 क्राफ्टल, भाई क्या मतलब यार। ओके तो ये अपडेट के बाद आपको गाइस देखने को मिल जाएगा, और मेन धमाके तो यार बचे हुए ना, क्लास कोड की बारी आई रही तो गाइस इसमें भी देख लो। तो यहाँ पर एक न्यू गन तो नहीं पहुंच सकते गाइस, ये MP5 जो कि सबका फेवरेट यार, बहुत ज्यादा यूज होता है ये गन, और ये गन आप अटैचमेंट के साथ परचेस कर सकते हो क्लास कोड के अंदर। वैसे आपको कुछ कॉइन लगने वाले, देखो अभी मैंने एक परचेस किया, ये नॉर्मल सा परचेस हुआ, मैं फिर से दोबारा उसी को परचेस करता हूँ, एक चिप लग चुका है, एंड दूसरी बार करता हूँ दूसरा लग चुका है, तीसरी बार करने के बाद ये तीनों चिप लगे। वैसे एक ही गन को 4 बार परचेस करोगे ना तो जगह इसके अंदर 3 अटैचमेंट वाले चिप लगने वाले हैं, बट थोड़े पैसे तो आपको ज्यादा लगने वाले हैं, लेकिन है ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ने वाला भाई, कुछ पावरफुल गन तो हमें देखने को मिल रहा है ना। वैसे भी पैसे गाइस गेम के तो है भाई, खुद के थोड़ी लगने वाले, तो काफी अच्छा गाइस ये पावरफुल गन कुछ ज्यादा यूज होने वाला है आप क्लास स्क्वाड के अंदर। वैसे गाइस ये चीजें आपको कैसे लगे यार कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, और इस तरह से और मस्त वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।